हे हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शुभंकर। शुभंकर सॉफ्टवेयर ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग एक नया सेगमेंट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है वीकली स्पीड अप। तो वीकली स्पीड अप में हम लोग देखेंगे बिजी रिलेटेड ऑल जो कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखेंगे। तो इसका वीडियो जो है, वीडियो आपके पास पार्ट बाय पार्ट आपके पास आता रहेगा। तो दोस्तों, आज जो हम लोग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है, कोई भी कंपनी के लिए उसका जो डेटा है, डेटा बहुत ही कीमती होता है। तो डेटा बैकअप कॉन्फ़िगरेशन बिजी के अंदर कैसे होता है, तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बारे में कॉन्फ़िगरेशन एंड कैसे इसको सेटअप किया जाता है, तो इसके बारे में पूरा डिटेल्स हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कैसे कॉन्फ़िगर होता है। दोस्तों, पहले हम लोग देखेंगे कि बिजी के अंदर कैसे हम लोग मैनुअल बैकअप ले सकते हैं। तो मैनुअल बैकअप के लिए हम लोग बिजी को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों, जो थर्ड ऑप्शन हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला वो है बैकअप डेटा। तो बैकअप डेटा को हम लोग क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कंपनी, जो भी आपका कंपनी क्रिएटेड रहेगा उस कंपनी यहाँ पर लिस्ट में शो करेगा। एंड जिस भी कंपनी को आपको बैकअप लेना है उस कंपनी को सिलेक्ट करने के बाद एंटर कीजिएगा। एंड उसके बाद आपको यूज़र आईडी पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है फॉर बैकअप लेने के लिए। तो मैं यहाँ पर जो भी यूज़र आईडी एंड पासवर्ड है इसको क्लिक करता हूँ। पहला जो इन्फॉर्मेशन से यहाँ पर डालने के लिए दे रहा है स्पेसिफाइड पाथ फॉर बैकअप। तो जो भी फोल्डर में आपको बैकअप लेना है उस फोल्डर को यहाँ पर सिलेक्ट करवाना है। तो यहाँ पर ब्राउज का आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर ब्राउज आप करते हैं। तो मेरा डेस्कटॉप में एक तो फोल्डर बनाए हुआ है आज का डेट का, तो यहाँ पर मैं डेस्कटॉप में चला जाता हूँ। यहाँ पर बैकअप आज का डेट का एक तो फोल्डर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ओके करते हैं। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डालने के लिए दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर सिलेक्टेड फिनेंशियल ईयर सिलेक्ट, जो भी आपका एक ही कंपनी के अंदर अगर मल्टीपल फिनेंशियल ईयर आपका क्रिएटेड है तो आप सिंगल भी आपका जो भी बैकअप है बैकअप आप क्रिएट कर सकते हैं। एंड आप अगर ऑल फिनेंशियल ईयर का बैकअप एट ए ग्लैंस आप लेना चाहते हैं तो ऑल फिनेंशियल ईयर आप सिलेक्ट करने के बाद इसको ओके कीजिएगा। तो यहाँ पर प्रोसेस करने के लिए ऑप्शंस आपको दे देगा, यस ओके आप अगर प्रेस करते हैं तो आपका जो बैकअप है बैकअप यहाँ पर क्रिएटेड हो गया, जो भी आपका स्पेसिफिक फोल्डर था उस फोल्डर के अंदर। एंड उसके बाद यहाँ पर दिखा रहा है कि सक्सेसफुली बैकअप जो है बैकअप हो गया है, इसको हम नो करते हैं। एंड इसका जो बैकअप तैयार हुआ है दोस्तों वो हम लोग फोल्डर को एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा एक तो डेस्कटॉप में फोल्डर बनाया हुआ है जो बैकअप आज का डेट, तो यहाँ पर एक तो जो डेटा बैकअप है बैकअप यहाँ पर तैयार हो गया। तो ये तो था मैनुअल बैकअप। अभी देख लेते हैं दोस्तों जो कंपनी के अंदर कैसे कॉन्फ़िगर होता है, वो डे वाइज कॉन्फ़िगर किया जाता है एंड उसमें कैसे आपको कॉन्फ़िगर करना है। तो ये एक बार हम लोग कंपनी को ओपन कर लेते हैं। जो भी कंपनी में आपको कॉन्फ़िगर करना है उस कंपनी में लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लीजिएगा। जो बैकअप कॉन्फ़िगरेशंस के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशंस में। तो कॉन्फ़िगरेशंस में दोस्तों यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है बैकअप कॉन्फ़िगरेशंस। तो बैकअप कॉन्फ़िगरेशंस में यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, एक है मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे करके, यहाँ पर जितना भी आपका डे है डे यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। एंड इसमें ब्राउज करने के लिए ऑप्शन दे रहा है कि आप जो फोल्डर है फोल्डर आप ये यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं डे वाइज। तो मेरा यहाँ पर एक बैकअप जो फोल्डर है फोल्डर यहाँ पर डे वाइज क्रिएट किया हुआ है डेस्कटॉप के अंदर, वो डे वाइज यहाँ पर कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर जाके जो भी आपका कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पर हम डिफाइन कर देते हैं, जो भी फोल्डर है फोल्डर यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। तो जो भी आपका बैकअप का फोल्डर रहेगा बैकअप का फोल्डर यहाँ पर डिफाइन कर दिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन से आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन डालने के लिए दे रहा है कि प्रॉम्प्ट फॉर द बैकअप एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग द कंपनी, आप अगर जब क्लोज करने जाएंगे कंपनी से एग्जिट करेंगे उस टाइम में ये प्रॉम्प्ट आपको शो करेगा। तो इसको अगर यस करते हैं तो आपको प्रॉम्प्ट वहाँ पर शो करेगा, आपको नोटिफिकेशन देगा कि आपको बैकअप लेना है कि नहीं लेना है। तो वहाँ पर यस नो का प्रोविजंस मिलेगा, यस करते हैं तो आपका बैकअप हो जाएगा एंड नो करते हैं तो आपको कंपनी से एग्जिट करने के लिए प्रोविजंस दे देगा। उसके बाद है दोस्तों इन्फोर्स द बैकअप एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग कंपनी, जो इन्फोर्स आपको अगर करता है फोर्स अगर करता है तो आपको कंपनी क्लोज करने के टाइम में आपको यस नो का कुछ ऑप्शंस नहीं मिलेगा, आपको बैकअप लेना ही है उसके बाद से कंपनी से आपको एग्जिट करना है। तो आप अगर इसको यस करते हैं तो आपको कंपनी से बैकअप लेके उसको प्रोसीड करना है।
तो पहले देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर नो करके इसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो जो भी डेज आपका यहाँ पर डिफाइन रहेगा, वो डेज डे वाइज जो भी आपका डेज मेंशन रहेगा, उस फोल्डर के अंदर जो भी बैकअप है, बैकअप तैयार हो जाएगा। कंपनी हम जब भी क्लोज करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पर यस नो का प्रोविजंस मिलेगा, तो यस करते हैं। तो यहाँ पर आज का डेज जो है सैटरडे, तो सैटरडे जो फोल्डर मेरा क्रिएटेड है, उस फोल्डर के अंदर ये जो फिनेंशियल ईयर का जो भी कंपनी है, कंपनी यहाँ पर ऑटोमेटिकली बैकअप हो जाएगा। यहाँ पर बैकअप सक्सेसफुली यहाँ पर दिखा रहा है। फिर मैं कंपनी को एक बार ओपन करता हूँ। फिर और एक बार मैं कंपनी को क्लोज करता हूँ। यहाँ पर मैं अगर नो करके आगे प्रोसीड करता हूँ तो मेरा कंपनी से एग्जिट करने के लिए मेरे को ऑप्शंस दे दे रहा है। फिर दोबारा और एक बार कंपनी को ओपन करता हूँ और जो बैकअप कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर जो इनफोर्स का ऑप्शन यहाँ पर मैं येस कर दे रहा हूँ। तो इनफोर्स करने से क्या होगा कि आप जब भी कंपनी को क्लोज करेंगे तब यहाँ पर येस नो का कोई भी प्रोविजंस आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पर डायरेक्टली ओके करना है ना, आपका जो भी आपका फोल्डर रहेगा, जो सिलेक्टेड आपका डेज वाइज फोल्डर क्रिएटेड रहेगा, उस फोल्डर के अंदर ये जो बैकअप है, बैकअप लेने के बाद ही आपको जो आगे है आगे प्रोसीड करने देगा एंड कंपनी से एग्जिट करने के लिए दे देगा। तो ये तो था कंपनी के अंदर कैसे कॉन्फ़िगरेशंस होता है, जो बैकअप कॉन्फ़िगरेशंस होता है उसके बारे में। तो वीडियो अगर अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। जो भी ज़रूरतमंद को शायद इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक टॉपिक लेके। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।